चेकआउट इलस्ट्रेशन नंबर 18। पेज नंबर 9.38। पेज नंबर 9.38। इलस्ट्रेशन नंबर 18। क्या कह रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरली मनोहर एंड सन्स टिम्बर मर्चेंट एंड गिव अ सुटेबल नरेशन। लिखेंगे अपन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द मुरलीधर एंड सन्स। डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट क्या लिखा है? रिसीव अ चेक फ्रॉम नंबर वन फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450 5450। अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 150। चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अपन को चेक रिसीव हुआ 5450 का, हमने डिस्काउंट दिया 150 रुपीज का एंड दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और ये चेक हमने इमीडिएटली क्या करा, बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन, यस, बैंक अकाउंट। चेक रिसीव हुआ एंड दिस चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, इसलिए आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। सेकंड, बैंक अकाउंट और यस, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैश क्यों होगा रोहन? चेक रिसीव हुआ है, कैश नहीं रिसीव हुआ। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कौन दे रहा है? जे पीटरसन। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? जे पीटरसन अकाउंट। सो बैंक, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? Yes, it is a personal account in nature and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. So bank, aapko check receive, this check is deposited into bank. So aapka bank check receive kar raha hai. So rule is debit the receiver. Discount allowed, ye aapka expense hai. So what is the nature of discount allowed? Yes, it is a nominal account in nature. It is a nominal account in nature. And rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So debit all expenses. J. Peterson, what is the nature of J. Peterson account? Yes, it is a personal account in nature. And rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो ये दे रहा है पेटरसन यानी क्रेडिट द गिवर।
तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5450, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट दिया 150। टू जे पीटरसन अकाउंट, इतना सेटलमेंट हो गया 5600। क्या नरेशन आएगा? बीइंग चेक रिसीव, बीइंग चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ 350, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ 350। यस, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सुदर्शन को अपने गुड्स रिटर्न करें, सुदर्शन रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, तो इट इज अ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसमें ऐसे लिखा है क्या, रिटर्न गुड्स बाय सुदर्शन? इसमें लिखा है रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, मतलब हमने सुदर्शन को गुड्स रिटर्न करें, तो इट इज अ परचेज रिटर्न, इट इज अ परचेज रिटर्न। तो एक तो आपकी परचेज रिटर्न है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? किसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? सुदर्शन को। एक तो आपका सुदर्शन अकाउंट इफेक्ट होगा, और ये क्या हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आपका परचेज रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा। सुदर्शन क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सुदर्शन अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुदर्शन इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। यस, परचेज आपकी कम हो गई, मतलब बिजनेस में एक्सपेंस कम हो गया, तो इसलिए इसको करेंगे क्या अपन, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? सुदर्शन अकाउंट डेबिट 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 350। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन। नेक्स्ट, इश्यू अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स करमवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर परचेज ऑफ 7500। ये बिजनेस क्या कहता था? इसका टिम्बर मर्चेंट है, तो टिम्बर का बिजनेस है, तो कह रहे हैं इश्यू अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स करमवीर टिम्बर एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर 7500। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे यहाँ पे? परचेज, ये इसका काय का बिजनेस है, टिम्बर का बिजनेस है, तो यानी टिम्बर इसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गए। तो इसने क्या परचेज करा है? टिम्बर परचेज करा है, मतलब इसने गुड्स खरीदे हैं, और जब गुड्स परचेज होते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, राइट। तो परचेज है, इट इज अवर एक्सपेंस, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। सो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये डेबिट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर।
एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 7500 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 7500। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 बाय चेक, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹2,500 पेड इन कैश। तो परचेज करी मशीनरी 50,000 की बाय चेक और साथ में हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 2,500 के इन कैश, बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, एक तो मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा मशीनरी के बाद? मशीनरी अकाउंट हो गया और यस पेमेंट, अपन मशीनरी का पेमेंट बाय चेक कर रहे हैं, डेट्स वाई बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस कैश अकाउंट, पेमेंट कैश में हो रहा है इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। इसमें ये अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? इंस्टॉलेशन चार्जेस, हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे थे, तो व्हाई इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट विल नॉट इफेक्ट? होगा क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट? यस वेरी गुड, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैश में पे करा है, ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था अपने फिक्स असेट्स को परचेज करने में हम जो भी एक्सपेंसेस इंकर करते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंस। तो ये जो मशीनरी आपने परचेज करी है, मशीनरी इज योर फिक्स असेट, यानी फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं मतलब ये जो खर्चा हो रहा है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। और फिक्स असेट्स को परचेज करने में एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंस कहलाते हैं। और जब कोई कैपिटल एक्सपेंस होता है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? आपका असेट अकाउंट इफेक्ट होता है, यानी आपने जो मशीनरी पे परचेज करी इसके लिए भी मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ है, और उसके लिए आपने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे हैं इट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंस, तो उसके लिए भी कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है? मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ है। वॉट इज द नेचर ऑफ मशीनरी अकाउंट? वॉट इज द नेचर ऑफ मशीनरी अकाउंट? यस इट इज अवर असेट एंड ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में मशीन के नाम का असेट आ रहा है तो रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पेमेंट अपन ने बाय चेक करा है 50,000 का, यानी ये पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक पे कर रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस इट इज अवर असेट एंड ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 52,500 टू बैंक अकाउंट। बाय चेक आपने कितना पेमेंट करा है? बाय चेक हमने पे करा है कितना 50,000 रुपीज, अपन ने बाय चेक पे करे कितने 50,000 पे करे बाय चेक। टू कैश अकाउंट कितना कैश पे करा है आपने? कैश आपने पे करा है 2,500 रुपीज का। ओके नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम अजय एंड सप्लाई इट टू विजय फॉर ₹1,20,000। तो यहाँ पे दो काम हो गए इस ट्रांजेक्शन में, सबसे पहले तो परचेज करी किससे? अजय से, और फिर सेल करी विजय को।
तो पहले तो परचेज करने की एंट्री पास होगी और फिर सेल करने की एंट्री पास होगी। समझ में आ गई बात? पहले तो अपन ने गुड्स अच्छे से परचेज करें 1 लाख में, तो पहली एंट्री तो करो गुड्स परचेज करने की एंट्री, और फिर हमने उसको सप्लाई कर दिया विजय को, तो फिर एंट्री करेंगे काहे की गुड्स को विजय को सेल करने की। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले परचेज होगी, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और जिससे परचेज करे उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? अजय अकाउंट इफेक्ट होगा। वेरी गुड, अजय अकाउंट इफेक्ट होगा। आज बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। परचेज है, परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। अजय, व्हाट इज द नेचर ऑफ अजय अकाउंट? तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अजय हमें गुड्स दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। अब हमने ये गुड्स किसको सप्लाई कर दिए? विजय को सप्लाई कर दिए, यानी विजय को सप्लाई कर दिए मतलब विजय को सेल कर दिए, तो जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल, तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो आपका विजय अकाउंट इफेक्ट होगा, विजय अकाउंट इफेक्ट होगा, और हम गुड सेल कर रहे हैं तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ विजय अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ विजय? यस, विजय इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो विजय इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो एंट्री हो जाएगी विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 1,20,000, 1,20,000। यस, एनी डाउट? क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट? ओके, नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्या कह रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स, तो यहां पे अपन लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स। डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्णा स्वरूप,
इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट ऑफ 40,000। कह रहे कृष्णा स्वरूप से 38,000 रिसीवर इन फुल सेटलमेंट, जबकि उससे लेने कितने थे 40,000 लेने थे, तो 40,000 लेने थे लेकिन 38,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी हमने उसको 2,000 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड हो गया और क्या नाम है इसका, कृष्ण स्वरूप, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, यस इट इज अ असेट, सो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। तो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यस इट इज अ नॉमिनल, ये हमारा एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, वेरी गुड। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये कृष्णा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कृष्णा स्वरूप अकाउंट, यस इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कृष्णा हमें अमाउंट दे रही है यानी क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 38,000, 38,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू कृष्णा, कितना सेटलमेंट हो गया 40,000। नेक्स्ट रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40,000। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन में, कि वहां लिखा था 38,000 रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट, तो बात आ रही थी 40,000 लेने, 38,000 ले लिए इन फुल सेटलमेंट, यानी हमने सामने वाले को 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। यहां क्या लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, क्या लिखा है रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40,000, मतलब दुष्यंत से 40,000 लेने उसमें से 38,000 ले लिए, यहां पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, फुल सेटलमेंट इज नॉट मेंशन, तो इसका क्या मतलब है कि 40 में से 38,000 तो अभी ले लिए, 2,000 रुपीज बाद में लेंगे, 2,000 रुपीज क्या करेंगे बाद में लेंगे, यहां पे ये 2,000 डिस्काउंट नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ऊपर क्या था फुल सेटलमेंट लिखा हुआ था, इसलिए अपन ने उसको क्या करा था डिफरेंस को डिस्काउंट ट्रीट किया था, यहां पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, क्या लिखा है कि 40,000 लेने थे उसमें से अभी 38,000 ले लिए, यानी बाकी के 2,000 बाद में लेंगे, अभी सेटलमेंट नहीं किया है, समझ में आ गई क्या बात, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका कैश रिसीव हो रहा है तो यस कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और कैश कौन दे रहा है दुष्यंत, तो आपका दुष्यंत अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश ऑफ कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, यस कैश इज अवर असेट, सो ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर, तो रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। दुष्यंत, व्हाट इज द नेचर ऑफ दुष्यंत, यस इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत,
to Dushyant account 38,000. Narration आ जाएगा being cash received from Dushyant. Third, Biru who owned us 15,000 declare insolvent. इसको underline कर लो, owned मतलब ले रखे हैं, owed मतलब होता है ले रखा है. तो लिखा है Biru who owned us 15,000 मतलब Biru जिसने हमसे 15,000 ले रखे हैं. या यूं बोलिए बीरू को हमें कितने देने, 15,000 देने, बीरू हमें देगा 15,000. वो क्या हुआ, इनसॉल्वेंट हो गया. एंड 65 पैसे इन रुपीज रिसीव एज अ फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट. 65 पैसे इन रुपी मतलब 1 रुपी में कितना पैसा होता है, हाउ मेनी पैसा इन वन रुपी 100. यस, तो इसका मतलब है 100 पैसे में से 65 पैसा ही क्या होगा, रिकवर होगा. यानी बाकी का जो 35 पैसा है वो रिकवर नहीं होगा. और वी कैन से कि 65% अमाउंट तो रिकवर हो जाएगा बीरू से, लेकिन जो रिमेनिंग 35% अमाउंट है वो अब बीरू से कभी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि बीरू क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है. तो ये जो 35% अमाउंट अब कभी रिकवर होने वाला नहीं है बीरू से, ये आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए. This 35% amount is your bad debts. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, Yes, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, 65% अमाउंट तो मिल रहा है ना, तो उसके लिए कैश अकाउंट हो गया. और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, 35% अमाउंट अब कभी रिकवर होने वाला नहीं है, तो वो आपका bad debts हो गया. Very good. तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट इफेक्ट होगा. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट इफेक्ट होगा. और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बीरू. ठीक है, तो कैश आपका असेट है, कैश इज आवर असेट. सो ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर. रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना आएगा, ये 15,000 है, 15,000 का 65% अमाउंट अपन को रिकवर हो जाएगा. बैड डेब्ट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट, वेरी गुड, इट इज आवर लॉस. सो ऑल लॉसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, वेरी गुड, ऑल लॉसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. तो कितना परसेंट, 35% अमाउंट अपन को रिकवर नहीं होगा, तो 15 का 35%. बीरू इज अ पर्सनल, व्हाट इज द नेचर, यस बीरू इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बीरू दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर. तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट. तो 15 का 65%, 15,000 का 65% होता है हमारा अमाउंट कितना, 9750. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितना है, 35%. तो 35% ऑफ 15 इज 5250 टू बीरू. इतना सेटलमेंट हो गया 15,000, राइट. Next, sold goods to Kitty of the list price of 20,000, trade discount 10% and cash discount 5%. He paid amount on the same day and availed a cash discount. क्या हुआ, हमने Kitty को क्या करा, सेल करी. कितनी सेल करी, Kitty को हमने 20,000 के लिस्ट प्राइस के गुड सेल करे, फिर हमने इस पे इसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया. तो हमें हमेशा सबसे पहले क्या लेस होगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट. तो कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 10%. तो 10% ऑफ 20,000 इज 2,000. इट मींस योर सेल वैल्यू इज 18,000. आपकी सेल क्या कहलाएगी, 18,000 इज योर सेल. अब वो क्या कह रहा है, हमने उसको 5% का कैश डिस्काउंट के लिए भी बोला है, तो वो पेमेंट क्या कर रहा है, इमीडिएटली कर रहा है टू अवेल दिस कैश डिस्काउंट. तो पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हो रहा है,
तो बिकॉज पेमेंट इमीजिएटली रिसीव हो रहा है, दैट्स व्हाई हम अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट भी देंगे। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट देंगे? 5%। सो 5% ऑफ 18,000, 5% ऑफ 18,000 इज 900, यानी कितना रिसीव होगा? 17,100 का क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव होगा। बताइए, समझ में आया ये? कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट? बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। सबसे पहले कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। हमने ये 900 रुपीज का कैश डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, इट इज अवर असेट। सो ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना कैश रिसीव हो रहा है? 17,100। This discount allowed, what is the nature of discount allowed? Yes, it is our expense. So all expenses are nominal account in nature. So nominal account ka rule hota hai, debit all expenses. So debit hoga. Sale, sales karenge to income hogi. And all incomes are nominal account in nature. And rule of nominal account is debit all expense, credit all income. So entry ho jayegi aapki कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900, टू सेल्स अकाउंट 18,000, नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 टू शकुंतला, इशूड एन इनवॉइस एट 10% अबव द कॉस्ट, लेस 5% डिस्काउंट। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? हमने गुड्स सप्लाई करे शकुंतला को जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, सॉरी जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 6,000। और हमने कैसे सेल करा? 10% अबव द कॉस्ट, कॉस्ट के 10% अबव, मतलब 10% प्रॉफिट ऐड करके। सो 10% ऑफ 6,000 इज 600। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है? सेलिंग प्राइस आ जाती है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 6,600 इज योर सेलिंग प्राइस, 6,600 सेलिंग प्राइस हो गई। और फिर हमने सेलिंग प्राइस पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो अब इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट दिया है? 5%। तो 6,600 का 5% कितना होता है? 330। यानी आपकी जो सेल्स है, आपकी सेल्स कितनी कहलाएगी? सेल्स कहलाएगी 6,270 इज योर सेल। तो इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल? इट इज अ कैश और क्रेडिट सेल? यस, इट इज अ क्रेडिट सेल। जिसको गुड सोल्ड कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है ट्रांजेक्शन में, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो शकुंतला अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा।
Shakuntala, what is the nature of Shakuntala account? Yes, it is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. So debit the receiver. Sale karenge, income hogi. So it is nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expense, credit all income and gains. So entry ho jayegi Shakuntala account debit. Shakuntala account debit to sales account 6270. बताइए किसी को भी डाउट, एनी डाउट?